Bag Bajar, Kolkata. भाषा क्या है? मेरा मातृभाषा हिंदी है। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी बेलूर में रहता हूँ। आप इसके पहले क्या काम करते थे? इसके पहले हम वेद पढ़ते थे, क्या बोलते हैं, इलाहाबाद में हम वेद पढ़े हुए हैं और वहीं पर उसमें अध्ययन कर रहे थे। आप अभी क्या काम कर रहे हैं? अभी तो हम गंगा आरती करते हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में। आपका जो ये परंपरा है इसके बारे में आप कुछ बताइए। ये तो गंगा आरती कर रहे हैं कि गंगा माँ को प्रदूषण से मुक्त किया जाए तथा भक्ति में लीन होकर या किसी भी प्रकार माँ को सुरक्षित रखें। ये सदियों से चलते आ रहा है, पूजा पाठ इत्यादि में गंगा माँ को हर समय जरूरत पड़ता है। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा यज्ञ में गंगा को ही जरूरत पड़ता है। इसलिए गंगा माँ को मैंने पूजन के द्वारा या किसी भी तरह गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए ये परंपरा निभा रहे हैं। इसीलिए हम गंगा जी को अब भी हम लोग चालू करवाए हैं और माँ के कृपा से शायद मेरे विश्वास है कि प्रदूषण से मुक्त होगी, ये मेरा विश्वास है। आप ये काम कहाँ सीखा है? ये काम हम यहीं पर सीखे हैं, बनारस से लोग आए थे। ये आज 4 साल होने जा रहा है, 4 साल पूर्व ये आए थे बनारस से लोग और गंगा जी का पूजन इत्यादि हुआ था। उसी समय गंगा जी का आरती चालू हुआ, 10 लोग आए थे। गंगा जी का आरती 5-6 दिन रहकर यहाँ पर सिखाए हमने और हम लोग गंगा जी का आरती उसी दिन से शुरू किया। आप ये कब से कर रहे हैं? ये 4 साल हो गया अभी गंगा जी का आरती करते हुए, 4 साल हो गए। ये काम का जो महत्व है वो क्या महसूस हो रहा है? ये तो हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। गंगा जी का आरती करने से लगता है लोग भक्ति में हैं, गंगा जी को प्रदूषण से मुक्त करेंगे तथा आने वाले समय में गंदगी न फैलाएंगे, ये तो मेरे को पूर्ण विश्वास है और देख भी रहे हैं यहाँ पर। ये काम जो आप कर रहे हैं इसमें कोई बदल आ रहा है? इससे कोई बदल आ रहा है आप देख रहे हैं? बदल तो बहुत आ रहा है। लोग गंदगी फैलाते नहीं है, जूता चप्पल बाहर उतार के आते हैं, आरती के समय में बने भक्तिपूर्वक बैठते हैं और आरती देखते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं एवं अपने अपने घर को जाते हैं। मैंने गंदगी फैलाने नहीं देते हैं, अपने स्वयं नहीं फैलाते हैं ना किन्हीं को फैलाने देते हैं। ये गंगा दूषण के बारे में आप कोई वार्ता आप देने चाहेंगे छोटे बच्चे जो अभी सीख रहे हैं, जो विद्यालय में जाके सीख रहे हैं, उसके बारे में कोई वार्ता देना चाहेंगे? मैंने कहने का मतलब यही है कि जैसे गंगा जी में कोई जैसे कट जाता है या कुत्ता है बिल्ली है, लोग गंगा जी में प्रवाहित कर जाते हैं, वो गंगा जी को सड़ा के गंदगी फैला देता है, सड़ा गला चीज़ फेंक देते हैं गंगा जी में, नाला इत्यादि गंगा जी में ही प्रवाहित कर देते हैं। इसलिए उन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये चालू किया गया है ताकि गंदगी इसमें ना आए,
गंगा माँ स्वच्छ रहे और हर चीज में काम आए। गंगा तो निर्मल है, उन्हें अमृत जल माना गया है। गंगा जी को कहा गया है गंगा जल अमृत होता है, तो अमृत के समान है गंगा माँ जल, इसलिए इसमें प्रदूषण से मुक्त करने के लिए ये काम किया गया है। नमस्ते, धन्यवाद।